क्लबिंग ऑफ इनकम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये चैप्टर किस बारे में बात करता है? सबसे पहले तो हम इसमें कवर करेंगे सेक्शन 60-65। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई भी ऐसा असीसी या फिर इंडिविजुअल जो इनकम अर्न कर रहा है, ठीक है, वो अपने नाम पर इनकम ना लेते हुए अपनी फैमिली लाइक अपनी वाइफ या फिर अपने बच्चों के नाम पर क्या करता है, इनकम ट्रांसफ़र कर देता है। और वो ऐसा क्यों करता है? ताकि वो हायर रेट ऑफ, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इनकम अगर उसके नाम पे हो जाएगी तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, और या फिर वो हायर रेट ऑफ स्लैब रेट में चला जाएगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, मतलब टैक्स के इवेशंस को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि उनके वाइफ और बच्चों की तो कोई इनकम होती नहीं है, अगर उनके नाम पर ट्रांसफ़र कर देंगे तो जो भी स्लैब रेट में जो भी एग्जाम लिमिट होती है, लाइक 2,50,000 या फिर 3 लाख रुपीज़, तो उसमें एग्जाम हो जाएगी जिसके ऊपर उसे टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। मतलब अगर ओवरऑल देखा जाए तो वो क्या करता है, टैक्स इवेशन करने की कोशिश करता है अपने वाइफ या फिर बच्चों के नाम पे इनकम ट्रांसफ़र करके, या फिर इनकम का अपने नाम पर ना रिसीव करते हुए बल्कि अपने फैमिली मेम्बर्स या फिर किसी के भी नाम पे रिसीव करके वो टैक्स इवेशन की कोशिश करता है। तो गवर्नमेंट इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या करती है, क्लबिंग ऑफ इनकम का ये सेक्शन लाया गया है जिसमें हम बात करेंगे सेक्शन 60-65। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जितना जो भी इनकम आपको रिसीव होने वाला है वो फर्स्ट आप क्या करोगे, कंप्यूट इन दी हैंड्स ऑफ द रिसिपिएंट, मतलब जिसे इनकम रिसीव हो रही है उसके हाथ में आप क्या करोगे, इनकम क्या करोगे, कंप्यूट करोगे इन दी हैंड्स ऑफ द रिसिपिएंट, जिसके भी हाथ में इनकम क्या हो रही है, रिसीव हो रही है, उसके हाथ में आप इनकम को कंप्यूट करोगे। ठीक है, एंड देन क्लबिंग शैल बी मेड इन हेडवाइज, फिर उसके बाद आप हेडवाइज, अगर वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो हाउस प्रॉपर्टी के हेड में, अगर वो पीजीबीपी की इनकम है तो पीजीबीपी के हेड में, अगर वो अदर सोर्स की इनकम है तो फिर अदर सोर्स के इनकम में, पहले आप उस रिसिपिएंट के हाथ में क्या कर लोगे, इनकम को कैलकुलेट कर लोगे, उसके बाद हेड वाइज क्या करोगे, क्लबिंग करने वाले हैं। क्लबिंग करना मतलब क्या, किसी जिस पर्सन का एक्चुअल में इनकम है, अगर उसने अपनी वाइफ या फिर अपने बच्चों के हाथ में क्या किया है, इनकम उनके थ्रू रिसीव किया है, तो उनकी इनकम को इसके इनकम में आके क्या कर दिया जाएगा, क्लब कर दिया जाएगा, मतलब मिला दिया जाएगा, और टैक्सेबल किसके अंदर, किसके हैंड्स में होने वाला है, असीसी के हाथ में ही होने वाला है। ठीक है, इसे कहते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। इफ़ द क्लबिंग, इफ़ द क्लब इनकम इज़ एलिजिबल फॉर एनी डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C, या फिर किसी भी प्रकार का आपको अगर डिडक्शंस मिलने वाला है, सपोज़ अगर इंश्योरेंस पॉलिसी का या फिर किसी भी प्रकार का अगर जो भी इनकम रिसीव हुआ है वो किसी भी प्रकार से एलिजिबल है सेक्शन 80 किसी भी डिडक्शंस के लिए, 80D या फिर 80C, तो वो क्लब होने के बाद उस असेसी जिसके हाथ में इनकम क्लब हो रही है उसे वो डिडक्शंस मिल जाएगा, क्योंकि उसके हाथ में इनकम अगर टैक्सेबल हो रही है तो वो डिडक्शंस के लिए भी एलिजिबल हो जाता है, और वो डिडक्शंस जो भी है असेसी के हाथ में क्या हो जाएगा, असेसी के हाथ अगर सेक्शन 80C और 80D से किसी भी प्रकार से उसे डिडक्शंस मिलने वाला है तो उस पर्टिकुलर असेसी को क्या मिल जाएगा, डिडक्शंस मिल जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को एग्जांपल के थ्रू मैं समझाती हूँ कि कैसा होता है ये। सपोज़ अगर मिस्टर एक्स हैं, ठीक है, इन्होंने इन्हें किसी भी प्रकार से इनकम रिसीव होने वाली थी, सपोज, ठीक है, इनके हाथ में कोई इनकम रिसीव होने वाली थी, बट इन्होंने खुद के नाम पे ना रिसीव करते हुए अपनी वाइफ के नाम पे क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। तो एक्चुअल में ये इस इनकम की ओनर नहीं है, ठीक है, एक्चुअल में ओनर कौन है, मिस्टर एक्स, लेकिन इनके हाथ में इनकम ज़्यादा ना हो जाए और वो हायर स्लैब रेट में ना चले जाए, इसके लिए उन्होंने क्या किया, उस इनकम को अपने नाम पे रिसीव ना करते हुए अपनी वाइफ के नाम पे क्या किया, रिसीव किया है। तो ये इनकम के एक्चुअल ओनर मिस्टर एक्स है, ना कि उनकी वाइफ, इसीलिए इनके हाथ में ना टैक्सेबल होते हुए मिस्टर एक्स के हाथ में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, और मतलब इनकी इनकम में क्या कर दिया जाएगा, क्लब कर दिया जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड एज क्लबिंग ऑफ इनकम। लेकिन अगर जो भी इनकम इन्होंने रिसीव किया है इसके ऊपर किसी भी प्रकार से आपको क्या मिलना है, सेक्शन 80C और 80D में किसी भी प्रकार का डिडक्शंस मिलने वाला है, तो वो इनके हाथ में इनको वो डिडक्शंस मिल जाएगा, वो जो भी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं वो मिस्टर एक्स को क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये था सेक्शन क्लबिंग का सेक्शंस। ठीक है, आई होप आपको समझ गया होगा। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है जो मुझे डिस्कस करने हैं। सबसे पहली बात, अगर सिर्फ हम मनीटरी अमाउंट में बात करेंगे, अगर कोई भी अमाउंट एज अ मनी रिसीव हो रहा है उनकी वाइफ को या फिर उनके बच्चों को, उनके लिए इनकम, अगर वो कोई असेट है या फिर कुछ फंड्स है तो उससे कंसिडर नहीं करेंगे, उस चीज़ की क्लबिंग नहीं होगी। क्लबिंग सिर्फ और सिर्फ किसकी होगी, इनकम की क्लबिंग होगी। ठीक है, क्या बोल रहा है ये, क्लबिंग ऑफ इनकम की होगी। अगर कोई असेट है लाइक प्लांट एंड मशीनरी या फिर कुछ और रिसीव हो रहा है तो उसका क्लबिंग नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ इनकम का क्लबिंग होगा, इनकम एंड नॉट इनकम ऑन इनकम। सपोज मिस्टर जो एक्स हैं, ठीक है, इनकी जो इनकम थी मिसेस एक्स, ठीक है, मिसेस एक्स को इनके बिहाफ में कोई इनकम मिली है लाइक 1 लाख रुपीज़। अब इन्होंने 1 लाख रुपीज़ को क्या कर दिया है, फिक्स्ड, इनकी फिक्स्ड FD करा दी, और FD के ऊपर क्या मिला है, इनको इंटरेस्ट मिला है। मतलब एक्चुअल में इनकम क्या है, ये 1 लाख रुपीज़ है।
ठीक है, मिस्टर एक्स मिसेस एक्स को मिस्टर एक्स के बिहाफ में कितना इनकम मिला है, 1 लाख रुपीज़ का इनकम मिला है, लेकिन इन्होंने ये इनकम को क्या कर दिया है, फिक्स डिपॉजिट करा के इसके ऊपर और इंटरेस्ट कमा लिया है। तो ये जो इंटरेस्ट सपोज 10% दैट इज 10,000 रुपीज़ अगर इन्होंने अर्न किया है, तो इस 10,000 रुपीज़ पे किसी भी प्रकार का, एग्जाम्पल ये मिस्टर एक्स हैं ठीक है और ये मिसेस एक्स हैं, इनको कोई इनके बिहाफ में मिलने वाली इनकम इन्हें मिल गई दैट इज 1 लाख रुपीज़ ठीक है, इन्होंने ये इनकम 1 लाख रुपीज़ इनके हाथ में क्लबिंग होगी। लेकिन सपोर्ट अगर मिसेस एक्स ने इसकी FD करा ली और उसके ऊपर इन्हें एट दी रेट ऑफ 10% क्या मिल गया, एक एग्जांपल की बात कर रहे हैं, अगर एट दी रेट ऑफ 10% इंटरेस्ट मिल गया दैट इज 10,000 रुपीज़, रेट ऑफ 10% इंटरेस्ट मिल गया दैट इज 10,000 रुपीज़, तो ये 10,000 रुपीज़ मिस्टर एक्स के हाथ में क्लब नहीं होगा, ओनली सिर्फ 1 लाख रुपीज़ क्लब होगा। मतलब ये 10,000 क्या है, इस इनकम के ऊपर इनकम अर्न किया है इन्होंने, FD करा दिया इसकी, जिसकी वजह से इनको क्या मिला है 10,000 रुपीज़, तो ये 10,000 रुपीज़ क्लब नहीं होगा क्योंकि ये इनकम ऑन इनकम है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपीज़ इनके ऊपर हाथ में क्या हो जाएगा, क्लब हो जाएगा। और ये 10,000 रुपीज़ किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, मिसेस एक्स के हाथ में टैक्सेबल होगा क्योंकि उन्होंने इनकम को इन्वेस्ट कहीं और FD में किया और उसके ऊपर इनकम क्या किया है, अर्न किया है। तो यही चीज़ बोलता है, नॉट इनकम ऑन इनकम विल नॉट गोइंग टू बी क्लब। और उसके बाद क्या, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको हमेशा प्रॉफिट ही होगा कहीं भी जगह से, अगर आपको लॉसेस होते हैं या फिर इनकम जो है वो नेगेटिव इनकम है तो भी क्या हो जाएगा, क्लब होगा। ये कोई रूल नहीं है कि जो अगर पॉजिटिव इनकम होगा तो ही क्लब होगा, नेगेटिव इनकम है तो क्लब नहीं होगा, नहीं, इनकम जो क्लब कर रहे हैं आप वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। उसके बाद कैन बी रेवेन्यू और कैन बी कैपिटल, इट ये, और इसका भी कोई बेसिक रूल नहीं है कि जो इनकम क्लब होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल होना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू होना चाहिए, इट कैन बी कैपिटल, इट कैन बी रेवेन्यू, ठीक है। तो इस तरीके से क्या बोलता है, क्लबिंग ऑफ द इनकम, सबसे पहले जो भी असेसी है जिसके हाथ में रिसीव हो रहा है वो अमाउंट उसके हाथ में टैक्सेबल, उसके हाथ में कंप्यूट कर लेंगे इनकम को पूरी तरीके से, उसके बाद हेडवाइज क्या करने वाला है, हम क्लब करेंगे। और अगर वो जो असेसी है, जो रिसिपेंट है, वो एलिजिबल है किसी भी प्रकार के डिडक्शंस के लिए अंडर ATC या फिर किसी भी प्रकार के डिडक्शंस के लिए, तो जिसके हाथ में इनकम क्लब हो रही है उसे भी क्या मिलेगी, वो डिडक्शंस मिल जाएगी। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान रखने वाली है कि किसी भी प्रकार की जो भी क्लबिंग है वो असेट्स और फंड्स की नहीं होगी, या फिर इनकम ऑन, अगर किसी भी इनकम के को इन्वेस्ट करके या फिर यूज़ करके आपने कोई और इनकम कमाई है तो उसके ऊपर भी वो भी क्लबिंग नहीं होगी। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, ये कैपिटल और रेवेन्यू दोनों हो सकता है।